अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो बहुत लोगों ने मुझे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप ग्रुप में और कमेंट में ये मैसेज किया था कि हम विंडो 11.1 कैसे डाउनलोड करें, वेयर इज़ लिंक, तरह तरह के मैसेजेस। तो फाइनली मैंने ले आया है उसका ISO फाइल, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, आप फाइनली उस पर क्लिक करें और डाउनलोड कर ले। ऑलमोस्ट 4.5 GB का फाइल है, जिसमें टाइम नहीं लगेगा। और स्टेप बाय स्टेप मैंने इसके बारे में पहले भी वीडियो दिया है, उसमें आपको पूरा HD वीडियो, जो आपका कंसेप्ट वीडियो है, उसमें आप जाके आप देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। देन फिर ये भी मैं यहाँ पे करके मैं टेस्टिंग के तौर पर मैंने खुद इसको डाउनलोड किया और किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है वो भी मैं इस वीडियो में आप बता दिया हूँ। तो आप इसको करें और अगर अच्छा लगे ये आपको ISO, तो अपना सिस्टम में यूज़ करें, कंप्यूटर में यूज़ करें, लैपटॉप में। और अगर इसमें कोई लैगिंग हो, कोई बग हो या फिर किसी भी तरह का इशू हो, तो आप इसे हटा सकते हैं और फिर जो है वो आप विंडो 10, विंडो 11, आप जो जेन्युइन है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं विंडो 11.1 का इसलिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहा सब्सक्रिप्शन लोगों का, या फिर जैसे किसी भी लोगों का, जो लोग चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर में विंडो 11.1 हो, वो सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा मतलब स्मूथली है और इसका आइकन वगैरह चेंज है। तो इसके लिए मैं एक और नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा, जिसमें आप कम्प्लीटली जो मैनुअल है, मैनुअल तरह से आप अपना कंप्यूटर का आइकन, स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बार, जो है ये सारे आइकन्स आप मैनुअल चेंज कर सकते हैं, चाहे आप विंडो 7 में हो, चाहे विंडो 11, विंडो 10, विंडो 8, किसी भी OS में हो। अगर आप चाहें कि मेरा कंप्यूटर विंडो 11 जैसा दिखे, तो आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके जो है उसे आप बिल्कुल अपना कंप्यूटर विंडो 11 का आइकॉन, 11 का स्टार्ट बार, स्टार्ट मेन्यू, आप किसी भी तरह से उसे आप बना सकते हैं। तो वेट करें, वो वीडियो कुछ दिन में अपलोड हो जाएगी। और इस पहले आप इसे डाउनलोड करें और बूटेबल पेन ड्राइव बनाएं पावर ISO से, उसके बाद आप इंस्टॉल करें या CD बनाएं, कुछ भी करें आप इंस्टॉल करें, अच्छा लगे तो रखें सिस्टम में यूज़ करें। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई इशू हो, तो आप इसे हटा सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, ये अगला प्रोसेस चलता रहेगा और मैं लेफ्ट होता हूँ और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।